हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने यूनिट थर्ड को स्टार्ट कर दिया था, तो एक बार यूनिट थर्ड में अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं उसका एक बार क्विक। तो यूनिट थर्ड में हम पढ़ चुके थे फर्स्ट बिजनेस एनवायरनमेंट, कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा व्हाई टू अंडरस्टैंड बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने की हमें जरूरत क्यों होती है। थर्ड वन विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट एंड फोर्थ दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। चलिए तो इन सबको कंप्लीट करने के बाद हम आज के टॉपिक पे आते हैं, जो कि हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं आज की डेट में। वो है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट एंड सेकेंड वन इज एलपीजी कॉन्सेप्ट, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, जो कि आया था ईयर 1991 के बाद में। चलिए सबसे पहले वाले टॉपिक पे आते हैं जो था डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। चलिए तो हमारे फर्स्ट टॉपिक से शुरू करते हैं जो कि है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। डायमेंशंस में यानी कि इसके कितने कितने सब पार्ट्स, कितने कितने एरियाज, कितने कितने डिविजन्स में हम इसको डिवाइड करते हैं बिजनेस के एनवायरमेंट को। तो बेसिकली हमने इसको पांच पार्ट्स में यहाँ कैटेगराइज किया है। फर्स्ट इकोनॉमिक एनवायरमेंट, सेकेंड सोशल एनवायरमेंट, थर्ड टेक्नोलॉजिकल, फोर्थ पॉलिटिकल एंड फिफ्थ वन इज लीगल एनवायरमेंट। चलिए फर्स्ट पार्ट पर आते हैं जो कि है इकोनॉमिक एनवायरमेंट। तो इकोनॉमिक बिजनेस एनवायरमेंट क्या होता है, इट हैज इमीडिएट एंड डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द बिजनेस। इकोनॉमिक एनवायरमेंट का बहुत ही बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट और इमीडिएट इंपैक्ट आता है। इसमें हम कौन कौन सी चीजों को इंक्लूड करते हैं, सबसे पहले इसमें हम इंक्लूड करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो आपने मार्केट से मनी लेंड किया है, मनी आपने बोरो किया है, उसके ऊपर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। सेकेंड इज इन्फ्लेशन रेट, जैसे आप मार्केट में देखते हो बूम्स रिसेशंस, मनी की वैल्यू अप और डाउन होती है, उसे हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन बोलते हैं, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से आपके मनी की वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट इज चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल, यानी कि पॉपुलेशन यानी पब्लिक की जो इनकम जो लेवल है, अगर वो बढ़ेगा तो आपके बिजनेस के लिए भी अच्छा पार्ट है। सपोज कीजिए कि आपका कोई भी कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स आपकी कंपनी बनाती है, तो अगर आपकी पॉपुलेशन के पास में इनकम अच्छी होगी तो वो आपके प्रोडक्ट्स को भी खरीद पाएगी। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को कोई कब खरीद पाएगा, जब उनके पास में ज्यादा सोर्सेज ऑफ इनकम होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि हम खुद अपने बिजनेस के लिए बनाते हैं। एवरी सिंगल टाइम हमारे बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स इकोनॉमी की वजह से भी इफेक्ट होते हैं। यहां पर इकोनॉमी के पार्ट के ऊपर हम बात करें, यानी इकोनॉमी में अगर मॉनेटरी पॉलिसीज आपके फेवरेबल होंगी, मॉनेटरी पॉलिसीज अगर बेटर एंड पे होंगी, तो आपके बिजनेस की भी पॉलिसीज मॉनेटरी टर्म्स पर काफी अच्छी आएंगी। नेक्स्ट इज स्टॉक मार्केट इंसिडेंसेस, यानी कि स्टॉक मार्केट मैंने आपको बताया भी है, स्टॉक मार्केट का मतलब होता है आपका शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड एटसेट्रा, उन सब से मिला जुला एक जो मार्केट होता है जिसको हम ऑनलाइन पोर्टल्स के ऊपर देखते भी हैं, उसे हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं। इंडिया में बेसिकली तीन स्टॉक मार्केट्स हैं जो लीडिंग में हैं, वन इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अनदर वन इज NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और एक OCTEI यानी कि ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अब इन सब के अलावा आपके पास में स्टॉक मार्केट के लिए ऑनलाइन पोर्टल्स के अलावा आप खुद अपने मोबाइल फोन्स और वाईफाई वगैरह इन सब चीजों की हेल्प से भी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को आप चेक कर सकते हो। अब यहां पर इफेक्ट क्या होता है इकोनॉमी में स्टॉक मार्केट का, कि आपके बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स या स्टॉक मार्केट के अप एंड डाउन से आपका बिजनेस के ऊपर भी काफी सारे इफेक्ट्स आते हैं। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं, इकोनॉमी का पार्ट हमारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं सोशल, जैसा कि वर्ड ही इंडिकेट कर रहा है, विच मीन सोसाइटी, वेरियस सोशल फोर्सेस का इसमें इफेक्ट होता है बिजनेस एनवायरमेंट पे, जैसे कि कस्टम्स, बिलीव्स, लिटरेसी रेट, एजुकेशन लेवल, लाइफस्टाइल, वैल्यूज एटसेट्रा। यानी कि आपके जो इंडिविजुअल्स हैं, आपकी जो पॉपुलेशन है, आपके जो टारगेट कस्टमर्स हैं, उनका लिटरेसी रेट क्या है, उनका एजुकेशन लेवल क्या है, उनका लाइफस्टाइल क्या है, उन सब चीजों से आपके प्रोडक्ट की डिमांड या आपके मार्केट का, आपके बिजनेस का मार्केट बनेगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर दे सकते हैं, अगर आप कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई फ्रेंचाइजी या एजुकेशन से रिलेटेड सेक्टर में आपकी कंपनी काम कर रही है, तो अगर आपने अपने विलेज एरिया को टारगेट किया है तो वहां पर आपके लिए रिस्की होगा। कोई भी चीज जो आप अगर विलेज एरिया में जा करके एजुकेशन पॉइंट से थोड़े एडवांसमेंट दिखाने की कोशिश करोगे, वहां रिस्की रहेगा। इंस्टेड ऑफ दैट अगर आपने सिटी एरिया को उसमें अलोकेट किया है, सिटी एरिया को आपने कैप्चर किया है, तो आपको वहां पर एडवांटेज मिल जाएगी। जैसे सपोज कीजिए कि हम देख रहे हैं फ्रैंकफिन जैसे इंस्टीट्यूट हैं, विलेज एरिया के आसपास तो देखने नहीं मिलते, बट ये सिटीज में इट इज पॉसिबल। अभी आकाश भी रेवाड़ी में ही लॉन्च हुआ है, इससे अर्लियर आकाश कहाँ था, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, ये चीजें तो बताने की नहीं है बच्चे। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं, वो है टेक्नोलॉजिकल पार्ट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो कि हमारा थर्ड एनवायरनमेंट का फैक्टर बनता है, बिजनेस एनवायरनमेंट का थर्ड फैक्टर है, थर्ड डिवीजन है, उसमें होता क्या है,
हम देख रहे हैं कि एवरी नाउ एंड देन हमारी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रही है, इनोवेशंस आ रही है, और ये जो इनोवेशंस है ये इस पर्सपेक्ट से की जाती हैं कि हमें जो नया प्रोडक्शन मिलेगा, नए जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो डेफिनेटली गुड इन द क्वालिटी एंड बेटर इन प्राइस हम रख सकें, ताकि हम कंपटीशन को बीट कर सकें, ताकि हम अपने कॉम्पिटिटर्स को एक एज दे सकें, हमारा कोर कॉम्पिटेंसी बिल्ड हो सके। वो चीजें कब बिल्ड होंगी? जब आपने टेक्नोलॉजिकल पार्ट के ऊपर बहुत अच्छे से प्रैक्टिसाइज कर रखा है। अब इसका एक एग्जाम्पल से हम लोग थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। चलिए देखिए, पहले हमारे पास क्या था टेक्नोलॉजी में? सेलफोन थे। सेलफोन एक जनरल एग्जाम्पल मैं आपके लिए टेक्नोलॉजी पे ले रही हूँ, क्योंकि नाउ डेज वी पीपल आर यूजिंग सो मच टेक्नोलॉजी इन द फॉर्म्स ऑफ सेलफोन। चलिए सबसे पहले आते हैं सेलफोन्स के ऊपर। तो सेलफोन्स में टेक्नोलॉजी किस तरीके से अपडेट हुई है? सबसे पहले आपके पास में कीपैड फोन्स थे, उसके बाद आपके पास आए स्मार्टफोन्स, उसके बाद आया आपके पास में आईओएस वर्जन और विंडोज वर्जन। काफी सारी चीजें जो है आपके पास में अपडेटेड। अब विंडोज की बात हो गई तो अभी आपने लैपटॉप फार्मटॉप्स में देखा होगा कि विंडोज के कितने एक्सपी, फिर उसके बाद में 7, 8, 9, 10, अभी तो विंडोज के भी वर्जन्स हैं। आपके पास में सॉफ्टवेयर अपडेशन के भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर है, टेली है, ईआरपी बिजी है, इतने सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं। वो सब भी किसके पार्ट्स आते हैं? टेक्नोलॉजी के ही पार्ट आते हैं। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, विच इज योर फोर्थ, दैट इज पॉलिटिकल। पॉलिटिकल तो नाम ही बता रहा है, विच मीन्स कंप्लीटली कॉन्ट्रोवर्शियल, कंप्लीटली कंट्री में जो आपका जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस को लाने के लिए जिन कंडीशन की हमें रिक्वायरमेंट होती है उसको हम पॉलिटिकल बैकग्राउंड में डालेंगे। अनदर वन इज एटीट्यूड ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। चलिए इस पॉइंट को हम एक बेटर एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि हम बोल रहे हैं बैंगलोर इज कॉल्ड अ सिलिकॉन वैली ड्यू टू फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू आईटी कंपनीज। यानी कि बैंगलोर को हम सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं, और वो क्यों पॉसिबल हुआ? वो इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने आईटी कंपनीज के लिए बहुत सारे फेवरेबल कंडीशंस लगा रखे थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं स्टूडेंट्स। अगला पॉइंट हमारे पास है लीगल, जिसमें कि हम इंक्लूड कर रहे हैं वेरियस लॉज लेजिस्लेशंस पोजेस्ड बाय द गवर्नमेंट। यानी कि जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हमारी गवर्नमेंट हमारे कंपनीज के ऊपर या अलग अलग इंडस्ट्रीज के ऊपर लेविड करती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स, कोर्ट जजमेंट्स, डिसीजंस ऑफ वेरियस कमीशन एंड एजेंसीज एट एवरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंटर, स्टेट्स एंड लोकल। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट पे, लोकल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट आपके कंपनीज के ऊपर जितने भी अलग अलग कमीशन या जितने भी अलग अलग लेवल्स के ऊपर डिसीजन आपके ऊपर लेविड किए जाते हैं उन सबको हम लीगल डिपार्टमेंट में या लीगल एनवायरमेंट के फैक्टर्स के अंदर कंसिडर करते हैं। जैसे कि हम डाल सकते हैं कि एल्कोहल हो गया, बिवरेजेस हो गया, सिगरेट हो गया, इस तरीके से जो प्रोडक्शन जो कंपनीज करती हैं उनके ऊपर अलग तरीके के लीगल टेंडेंसीज या लीगल टेन्योर पास किए जाते हैं, उनको उन लीगल एनवायरमेंट्स को भी लुक आफ्टर करना पड़ता है। चलिए स्टूडेंट्स, तो एक टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं विच इज डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। उसके बाद हम अगले अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज एलपीजी कॉन्सेप्ट। तो यहां पर शुरू करते हैं सबसे पहले कि आपको एलपीजी कॉन्सेप्ट आया, उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि एलपीजी कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी तो क्यों पड़ी। देखिए, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया अर्लियर बिफोर 1991 हमारे पास में क्या थे? नॉर्मल कंडीशंस के साथ में हम डीलिंग कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने इस चीज को एग्री किया दैट अर्लियर गवर्नमेंट गिव लीड रोल टू द पब्लिक सेक्टर। हमारे पास 1991 से पहले जितनी भी कंपनीज, जितना भी सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर का था, इंडस्ट्रीज थी, वो सारी की सारी पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग में थी। बट आफ्टर 1991 ड्यू टू हमारे पास जो रिसेशंस थे, सेवरल रेस्ट्रिक्शंस जो थे कंज्यूमर्स वगैरह के पास में, गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग्स की वजह से भी हमारे पास इन्फ्लेशन की सिचुएशन बहुत ज्यादा आने लगी, और उस इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए प्राइवेट सेक्टर्स को ब्रॉडली रिस्पॉन्सिबल किया गया, कि ब्रॉडली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप भी कंज्यूमर्स या इकोनॉमी के डेवलपमेंट में अपना एक रोल प्ले करो। और इसके अंडर क्या किया गया कि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस, रूल्स और रेगुलेशंस जो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर 1991 से पहले लगाए गए थे उनको हटा दिया गया, और इसी की वजह से एक नया वर्ड उभर के आया जो कि था एलपीजी कॉन्सेप्ट।
ओके, इन 1991 इकोनॉमी फेस्ड सीरियस फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, हाई गवर्नमेंट डेफिसिट एंड राइजिंग ट्रेंड्स ऑफ प्राइस डेफिसिट बम्पर क्रॉप्स के बावजूद, डिस्पाइट बम्पर क्रॉप्स यानी कि आपके पास में एग्रीकल्चर सेक्टर की काफी अच्छी प्रोडक्शन होने के बावजूद भी हमारी गवर्नमेंट जो थी वो डेफिसिट्स में चल रही थी, यानी कि डिफॉल्ट्स में चल रही थी, नेगेटिव बोरोइंग्स में चल रही थी। क्यों चल रही थी? क्योंकि अभी तक जितने भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर या इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो सारा का सारा क्या था, गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड था। कोई भी इंडिविजुअल्स किसी भी प्राइवेट सेक्टर को इंडस्ट्रीज या इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ नहीं किया गया था, जस्ट बिकॉज की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर रखा था, रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे प्राइवेट या इंडिविजुअल्स के ऊपर, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे। तो इस क्राइसिस के बाद, इस डेफिसिट वाली सिचुएशन के बाद, जो हमारी फॉरेन करेंसीज में, फॉरेन एक्सचेंज में जो क्राइसिस आए, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत मेजर डिसीजन लिया। वो ये लिया कि जुलाई 1991 में उन्होंने अपनी नई इकोनॉमिक पॉलिसीज को अनाउंस किया, जिसके अंडर की उन्होंने अपने इकोनॉमिक डेफिसिट जो उनका हुआ था, इकोनॉमी के जो डिफिकल्ट फेज को वो फेस कर रहे थे, उससे कम अप करने के लिए, उसे कवर अप करने के लिए उन्होंने एलपीजी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। और एलपीजी का कॉन्सेप्ट है क्या, देखिए एलपीजी का मतलब, एलपीजी का फुल फॉर्म बनता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। चलिए इस पॉइंट को हम बाद में देखेंगे, उससे पहले हम ये देखते हैं कि एलपीजी का जो कॉन्सेप्ट है वो इकोनॉमिकली अपने साथ कौन कौन से फीचर्स को लेकर के आया था। सबसे पहली चीज जो हुई इसकी वजह से, एलपीजी की वजह से, वो हुआ रिड्यूस इन द इंडस्ट्रीज ऑफ 6 अंडर कंपल्सरी लाइसेंसिंग स्कीम। इंडस्ट्रीज में जितनी भी नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज थी, जो पहले लिमिटेड अलाउड था प्राइवेट सेक्टर को, उसकी जगह अब पब्लिक सेक्टर ने क्या करना शुरू कर दिया, प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा एक्सपेंशन मिलना शुरू हो गया, और उनको कंपल्सरी लाइसेंसिंग की जो स्कीम सेक्टर की कंपनीज रहेगी, अब आप देख रहे हो रेलवेज में सिर्फ एक रेलवेज है जो आपके पास में पब्लिक सेक्टर में है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है जो आपके पब्लिक सेक्टर में है, बाकी सारे सेक्टर्स में आप देख रहे हो, एक आपके पास में जो है एटॉमिक पावर्स या एटॉमिक एनर्जी, उसके अंदर उन्होंने अपने पास में सेक्टर्स रखा है, एंड द लास्ट वन इज जो डेवलपमेंट, आप रोड्स मेकिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह देख रहे हो, कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ पार्ट पब्लिक सेक्टर के पास है, बाकी सारे के सारे सेक्टर्स को उन्होंने क्या कर दिया, प्राइवेटाइज कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट आया, दैट इज दिस इन्वेस्टमेंट वॉज कैरीड आउट इन केस ऑफ मेनी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज बहुत सारी या तो बंद कर दी गई या उनको किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को या प्राइवेट किसी इंडिविजुअल्स को हैंड ओवर कर दिया गया, ताकि पब्लिक सेक्टर का जो इंटरेस्ट है, पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर का जो इंटरेस्ट है, वो इकोनॉमी में से कहीं ना कहीं हम विड्रॉ कर सके। नेक्स्ट पॉइंट आया, दैट इज पॉलिसी फॉर फॉरेन कैपिटल वाज लिबरलाइज्ड इन मेनी सेक्टर्स, 100% एफडीआई वाज अलाउड। देखिए एफडीआई मैं आपको बता भी चुकी हूं लास्ट क्लासेस में भी, आप एक इकोनॉमिक्स में इसको पढ़ा था, एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, व्हिच मींस कि फॉरेन करेंसीज का, फॉरेन कंपनीज का, कंट्रीज की तरफ से जो भी इंडिया में डायरेक्टली इन्वेस्टेड मनी है उसको 100% तक अलाउ कर दिया गया, लेकिन कुछ ही सेक्टर्स की जगह लिमिटेड की जगह मेनी सेक्टर्स में, यानी कि आपके शुगर फैक्ट्रीज लगा लो, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर लगा लो, आपके बिल्डिंग्स लगा लो, आपका हॉस्पिटैलिटी लगा लो, आपके जितने भी अदर सोर्सेज हो सकते हैं जिनमें आप सर्विस प्रोवाइडिंग फर्म्स एज वेल एज कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स दोनों के लिए लगा सकते हो, उसमें फॉरेन कंपनीज को, फॉरेन कैपिटल को एडवांटेज दिया गया कि आप भी कंपनीज जो फॉरेन की हैं या फॉरेन कंट्रीज जो है उनका एडवांटेज रहा कि उनको अलाउ किया गया कि आप भी अपना इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर सकते हो, उसके रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए। लास्ट वन इज ऑटोमेटिक परमिशन वाज ग्रांटेड टू फॉरेन कंपनीज। फॉरेन कंपनीज जितनी भी थी इंडिया में जो लीडिंग कर रही थी उनको ऑटोमेटिकली परमिशन मिल गई कि आप यहां पर अपनी जो आप एमएनसीज आज देख रहे हो, कितनी सारी नंबर ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो है वो आपके यहां पर एस्टेब्लिश्ड है, और उसका बड़ा रीजन क्या है, क्योंकि उनको परमिशन ग्रांट की गई आफ्टर एलपीजी कॉन्सेप्ट इन ईयर 1991 के बाद फॉरेन कंपनीज का इंडिया में एकदम से बूम की तरह वो अनाउंस एकदम होने लगी। क्यों? क्योंकि इसके पीछे बड़ा रीजन ये था कि फॉरेन कंट्रीज को इससे पहले परमिशन नहीं थी, और इंडिया इज द मार्केट वेयर द फॉरेन कंपनीज कैन गेट अ बेटर एक्सपोजर, जिसकी वजह से उन्होंने यहां पर आकर के अपने पैसे को इन्वेस्ट किया। नेक्स्ट पॉइंट आया, दैट इज FIPB यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, यानी कि वो बोर्ड एक एस्टैब्लिश किया गया, एक ऐसा बोर्ड एस्टैब्लिश किया गया जो कि फॉरेन के आने वाले इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करेगा, यानी उनको एडवर्टाइज करेगा, उनको और ज्यादा एनहांस करने की कोशिश करेगा। वो सेटअप टू प्रमोट एंड चैनलाइज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, जिससे कि हम क्या कर सके, फॉरेन के इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में आने वाले हैं उनको और ज्यादा प्रमोट कर सके।
तो चलिए, अभी तक हमने पढ़ लिया है हमारा जो एलपीजी का कॉन्सेप्ट था, अब अगले लेक्चर में हम इसके आगे वाले पार्ट को कंटिन्यू करेंगे।